गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 1 जो है ध्वनि, और इसके जो कवि है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इनके जीवन परिचय के बारे में आज चर्चा करेंगे। पाठ्य पुस्तक कक्षा 8 हिंदी में इनका जीवन परिचय नहीं बताया गया है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। और सभी बच्चों से कहना चाहूँगी कि एक बार वो अपनी नोटबुक खोल ले और जो जीवन परिचय में उनका बता रही हूँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, उसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनको निराला नाम से भी जाना जाता है। इनको किस नाम से जाना जाता है? निराला नाम से भी जाना जाता है। तो सभी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1961 ईस्वी में हुई। दोनों पॉइंट आप नोट करोगे। इनका जन्म 1896 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के महिषादल में हुआ था और मृत्यु सन 1961 में हुई थी। इनकी शिक्षा औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल तक हुई। इनकी शिक्षा हाई स्कूल तक हुई थी। कहा जाता है कि इनका जीवन दुखों एवं संघर्षों से भरा हुआ था। यानी इनके जीवन में इन्होंने अनेक दुख सहन किए थे। कहा जाता है कि जब यह तीन साल के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया था, और जब ये युवावस्था तक पहुँचे थे तब इनके पिता का देहांत हो गया था। तो ये छोटी सी लाइनें जो है मैं बोल रही हूँ कि 3 वर्ष की अवस्था में इनकी माता की मृत्यु हो गई थी और युवावस्था तक आते आते इनके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए इनका जीवन किससे भरा था? दुखों से। और इतनी छोटी सी अवस्था में ही इनको अपना पालन पोषण स्वयं करना पड़ा और घर की बाकी जो जिम्मेदारियां थी इनके कंधों पर आ गई थी, इसलिए इनके जीवन को दुखों एवं संघर्षों से भरा हुआ कहा गया है। इनकी रचनाओं के बारे में लिखेंगे त्रिपाठी निराला या निराला की जो रचनाएं हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचनाएं हैं उनके बारे में लिखेंगे अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते आदि प्रकार की रचनाएं इनके द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त
या इनके अतिरिक्त इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि भी लिखे हैं। कविताओं की रचना तो इन्होंने की ही है, इसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि भी लिखे हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि वो कक्षा 8 हिंदी की पाठ्य पुस्तक जो है वसंत, उसका पहला पाठ निकालेंगे जिसका नाम है ध्वनि। मैं पैराग्राफ आपके सामने लिखूंगी, यहाँ पर ध्यानपूर्वक उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और उसके जो कठिन शब्द हैं वह मैं आपको साथ के साथ लिखूंगी, पाठ्य पुस्तक के साथ साथ आपके नोटबुक भी खुली हुई होनी चाहिए। ध्वनि, अभी न होगा मेरा अंत, अभी 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 तो अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत। मेरे मन में मृदुल वसंत अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत जो कविता की पंक्ति आपके सामने बताई गई है उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, आप इनको नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं और अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसको खोल कर भी आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अंत का अर्थ यहाँ पर ले लिया जाएगा कठिन शब्द करके आप लिख सकते हैं, अंत का अर्थ विनाश, अंत का अर्थ विनाश से लिया जाएगा। मेरे वन, वन को यह जीवन कहा गया है, वन से अर्थ यहाँ पर जीवन होगा। मृदुल का अर्थ हो जाएगा सुंदर या फिर मनोरम। वसंत का अर्थ यहाँ पर वसंत ऋतु से लिया जाएगा, और अभी ना होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत जो पंक्ति आपके सामने बोर्ड पर दिख रही है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अर्थात निराला जी कह रहे हैं कि अभी ना होगा मेरा अंत, कि अभी मेरा विनाश होने वाला नहीं है, मैं समाप्त होने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उनका जीवन जो था वह संघर्षों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ था। तो जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा लिए हुए वह कह रहे हैं कि मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है, मेरा अभी विनाश होने वाला नहीं है, क्योंकि जिजीविषा जीने की इच्छा उनके अंदर समाहित है, समाई हुई है। अभी अभी ही तो आया है, यानी वो कह रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो आया है। क्या आया है? मेरे वन में मृदुल वसंत अर्थात मेरे जीवन में सुंदर और मनोरम वसंत रूपी युवावस्था अभी अभी तो आई है, अर्थात इस युवावस्था के कारण अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है।
अभी ना होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत नहीं होगा। तो प्रस्तुत जो चार पंक्तियां आपके सामने बताई गई हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जितने भी दुख और संघर्ष है उनको मैं एक तरफ रख देता हूँ और मेरे जीवन में वसंत के समान जो युवावस्था है उसके कारण मेरा अभी अंत होने वाला नहीं है। अर्थात मेरा जीवन अभी मेरे सामने है और अभी जीवन का यह क्या है, प्रथम चरण है। जीवन का प्रथम चरण है, इसलिए अभी मेरा क्या नहीं होने वाला है, अंत नहीं होने वाला है। तो चारों लाइनें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इनमें जो कठिन शब्द है वो मैंने साथ के साथ आपके बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। एक बार वापस इन पंक्तियों का मैं आपको अर्थ बता दूंगी चारों का। अभी ना होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने जीवन में जिजी विषा को लिए हुए, अर्थात जीने की इच्छा लिए हुए है, दुख और संघर्षों से अपने जीवन को एक तरफ करते हुए जीवन में आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में वन का अर्थ यह जीवन लिया गया है। जिस प्रकार से वन में वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ हरियाली छा जाती है, उसी प्रकार से मेरे जीवन में वसंत रूपी अर्थात युवावस्था रूपी जो वसंत आ रहा है उसके कारण मेरी जिज्ञासा विषय और बढ़ जाती है, जीने की इच्छा और बढ़ जाती है, इसलिए अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है, क्योंकि यह जीवन का प्रथम चरण है। युवावस्था क्या है, जीवन का प्रथम चरण है और अभी अंतिम चरण बहुत ही दूर है, इसलिए मेरा विनाश नहीं होने वाला है और मेरा अंत होने वाला नहीं है। आगे की पंक्ति आप मैं आपके सामने लिखूंगी, उनके कठिन शब्द भी ऐसे ही लिखूंगी, उनके अर्थ आपको बताऊंगी, साथ के साथ आपको नोट करना है, पढ़ना है ध्यान से। हरे हरे ये पात, डालिया कलिया कोमल घात, कोमल घात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। प्रस्तुत पंक्ति आपके सामने है, हरे हरे ये पात डालिया कलिया कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्युष मनोहर। तो इनके कठिन शब्द मैं यहाँ पर आपको कठिन शब्द बताऊंगी और उसका अर्थ यहाँ लिखूंगी, तो आप साथ के साथ नोट कर लेना। हरे हरे, हरे कलर के बारे में कहा गया है, ये पात, पात का अर्थ कठिन शब्द लिखेंगे, कठिन शब्दार्थ जो है उनके अर्थ, पात का अर्थ पत्ते होता है, पात का अर्थ क्या होता है, पत्ते। डालिया, पेड़ पौधों पर जो डालियां होती है उनके बारे में कहा गया है। कलिया, फूल खिलने से पहले जो रूप होता है उसको कलिया कहा गया है। कोमल, बिल्कुल नाजुक, और गात, गात का अर्थ यह शरीर, किसे लिया जाएगा, शरीर से लिया जाएगा। मैं ही अपना स्वप्न, स्वप्न का अर्थ होता है सपना, स्वप्न का अर्थ किससे लिया जाएगा, सपने से, जिसको सपना कहा जाएगा। मृदुल का अर्थ सुंदर या मनोरम, जो कि पहले कठिन शब्दार्थ लिखा है उसमें आ गया है।
मृदुल का अर्थ सुंदर या मनोरम, सुंदर या मनोरम से लिया जाएगा। फेरुंगा निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है सोई हुई, निद्रित का अर्थ होगा सोई हुई, अलसाई हुई या निद्रामग्न। जगह एक प्रत्यूष मनोहर, प्रत्यूष का अर्थ यहाँ पर लिया जाएगा प्रभात या भोर, अर्थात प्रातःकाल जब होता है उसको प्रत्यूष कहा जाएगा। तो कठिन शब्द एक बार वापस नोट करना आप। पात का अर्थ है पत्ते, घात का अर्थ होता है शरीर, स्वप्न का अर्थ होता है सपना, निद्रित का अर्थ होता है सोई हुई, प्रत्युष का अर्थ होता है प्रभात या भोर। जिस प्रकार से वसंत का जब आगमन होता है, जब वसंत ऋतु आती है, तब चारों ओर कैसा मनोरम वातावरण हो जाता है, एक तरफ तो उस वातावरण के लिए बताया गया है, साथ ही दूसरी ओर मनुष्य के जीवन में जब युवा अवस्था आती है तब उसका जीवन नव जीवन बन जाता है, अर्थात उसमें नए नए उत्साह रहते हैं, उल्लास रहते हैं और एक जीने की इच्छा लिए हुए व्यक्ति अपने कार्यों को पूर्ण करता है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, जैसे ही वसंत ऋतु आती है तब चारों तरफ पेड़ पौधों पर पत्ते हरे हरे हो जाते हैं, डालियां कलियां कोमल गात, और डालियां और पेड़ पौधों की जो डालियां होती है, नई नई डालियां जब आती है तब वह अपना शरीर अर्थात डालियां और कोमल उन पर कलियां जो खिलती है बिल्कुल एक गात अर्थात शरीर के समान प्रतीत होती हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, उस समय मैं ही अपने सपनों को साकार करके सुंदर बनाकर मनोरम तरीके से फेरूंगा निद्रित कलियों पर उन, अर्थात जब प्रभात नहीं होता है, भोर नहीं होती है, उससे पहले पुष्प को देख लो तो वह बिल्कुल मूर्छाए से रहते हैं, जैसे ही सूर्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़ता है, जैसे ही सुबह होती है, प्रातःकाल होती है, वह फूल खिल जाते हैं। तो उस समय वो कह रहे हैं कि सोई हुई कलियों पर मैं अपने सुंदर और मनोरम कोमल हाथों को उनके ऊपर फेरूंगा और वापस उनको प्रभात अर्थात भोर के समय खिलखिला हुआ महसूस करूंगा। तो इसमें एक तरफ वसंत ऋतु का जब आगमन होता है तब सारे पत्ते जो होते हैं नया रूप ले लेते हैं, हरे हो जाते हैं, उनकी डालियां जो होती है वह कोमल होती है, बिल्कुल नाजुक सी होती हैं, और उस समय वह कह रहे हैं कि मेरे जीवन रूपी जो सपने हैं उन सपनों को लेकर मैं इन अलसाई हुई सोई हुई या निद्रामग्न जो कलियां होती है प्रभात या भोर होने से पहले उनको मैं अपनी आकांक्षाओं से, अपनी इच्छा से और अपने मनोरम सपनों के द्वारा उनको वापस जागृत कर दूंगा, अर्थात मेरे जीवन में नव यौवन जो नहीं आया था, युवा अवस्था नहीं आई थी, उससे पहले जो निद्रा छाई हुई थी उस निद्रा को मैं अब युवा अवस्था में अर्थात जीवन के प्रथम चरण में उनको प्रभात के समान प्रसन्न कर दूंगा, खिला हुआ महसूस कर दूंगा। तो यह आपको समझ में आ गई होगी पंक्तियाँ कि एक तरफ तो वसंत ऋतु के आगमन से चारों तरफ वन में जो हरियाली छा जाती है उसके बारे में बताया गया है, पेड़ पौधों के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बताया गया है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में युवावस्था के समय जो परिवर्तन होते हैं, जो उत्साह होता है, जो जिजीविषा होती है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जिस प्रकार से प्रभात होती है वैसे इंसान के जीवन में भी प्रभात होती है, हर दिन नया होता है, हर दिन उसमें कुछ ना कुछ करने की क्षमता और शक्ति होती है, लेकिन व्यक्ति जब अपने उस निद्रा को, उस मूर्छा को छोड़ेगा तभी वह अपने जीवन में आगे बढ़ पाएगा। आगे की पंक्तियां और मैं लिखती हूं आपके सामने, उनको अच्छे तरीके से आप पढ़ो, कठिन शब्दों को साथ के साथ नोटबुक में लिखो और अर्थ को करो। पुष्प पुष्प से, पुष्प का अर्थ सभी के समझ में आ गया होगा, फूल से लिया गया है। पुष्प पुष्प से
तंद्रालस, लालसा, खींच लूंगा, खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा मैं अपने नवजीवन, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा, सहर्ष खींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर, उनको हे मेरे वे जहां अनंत अभिन्न होगा, अभिन्न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। तो इसमें कठिन शब्द मैं बताऊंगी और आपको नोट करने हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष खींच दूंगा मैं। खींच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत अभी ना होगा मेरा अंत। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रची गई हैं। उसमें वो बता रहे हैं कि पुष्प पुष्प से अर्थात फूल फूल से तंद्रालस का अर्थ होता है आलस्य से ग्रसित, आलस्य से ग्रसित। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। खींच लूंगा अर्थात आलस्य से ग्रसित जो जीवन है पुष्प का, जब भोर नहीं होती उससे पहले मूर्छाया हुआ रहता है, तो उसको मैं अपनी इच्छा से क्या कर दूंगा, खिला दूंगा अपने नवजीवन का अमृत। अर्थात मेरा जो नवजीवन है अर्थात युवावस्था जो है उसका जो जोश है अर्थात अमृत के समान, उससे उसको सहर्ष सींच दूंगा, उस पुष्प को सींच दूंगा जिससे कि उसका आलस्य दूर हो जाएगा, उसकी मूर्छा दूर हो जाएगी और वह खिल जाएगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति का असीमित विकास होता है, जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति का विकास होता है उसका कभी भी अंत नहीं होता है, उसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह रहे हैं कि मेरा जीवन है वह भी उत्साह से युक्त है, उसका भी कभी अंत नहीं होगा। अर्थात मेरा जीवन आगे बढ़ता जाएगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, इन दुखों और इन संघर्षों को अपने जीवन से हटा दूंगा। तो प्रस्तुत पंक्ति एक बार मैं वापस आपको बताती हूँ। अनंत का अर्थ होगा जिसका अंत ना हो, जिसका अंत ना हो अर्थात असीमित। तो निराला जी कह रहे हैं कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात जब वसंत ऋतु का आगमन होता है उससे पहले जो उससे उसमें आलस्य होता है उसको मैं दूर कर दूंगा, अपनी मेहनत से उसको क्या करूंगा, खिला दूंगा अपनी इच्छा से, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और अपना जो जीवन है अर्थात नव यौवन जो आया हुआ है युवावस्था है उसके कारण जितना भी जोश है अपनी मेहनत और अपनी लगन से उसको सींच देंगे। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, अर्थात जो आलस्य से युक्त समय है उसको मैं द्वार दिखा दूंगा। कहाँ का द्वार दिखा देंगे कि इस जीवन में उसका कोई भी स्थान नहीं है। जिस प्रकार से
प्रकृति में वसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति चारों तरफ हरियाली युक्त हो जाती है और उस हरियाली का कभी भी अंत नहीं होता है। उसी प्रकार से निराला जी कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो उत्साह, उमंग और जोश है वह प्रथम चरण में आ गई है और अब मेरा भी अंत कभी नहीं होने वाला है। तो आज आपको कक्षा 8 में पहला पाठ हिंदी का ध्वनि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित है उसको मैंने आपको समझाया, उनके जीवन परिचय के बारे में बताया और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई कविता का भावार्थ मैंने आपको बताया कठिन शब्दों के साथ। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जो सुझाव है वो आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। धन्यवाद।